हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। फ्रेंड बता दूं कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अंतर्गत NM 8853 पदों के लिए आपने जो काउंसलिंग करवाए हों, 12,000 प्लस कैंडिडेट अब वेट कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है और ज्वाइनिंग कब तक किए जाएंगे। फ्रेंड बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुका है, यहाँ पर मंत्री मंगल पांडे जी का आदेश आ चुका है कि सभी ANM को जल्द ही नियुक्ति किए जाएंगे। इसके लिए पूरी प्रोसेस जल्दी किया जाए, हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी आपको दिखा देते हैं कि आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड अगर आप लोग आज का पेपर देखेंगे तो क्लियर यहाँ से देख सकते हो, आने वाली 5 वर्ष का स्वास्थ्य रोड मैप बनाने में जुटा विभाग, यानी कि आने वाली 5 साल में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग चलेंगे उसका रोड मैप बनाने में पूरी तरह से विभाग यहाँ पर जोर लगा दिए हैं। फ्रेंड पूरा देखिए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मंत्री व अपर मुख्य सचिव ने रोड मैप पर किया विचार विमर्श, पूरी तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाने के लिए आने वाले 5 वर्ष के रोड मैप बना रहे हैं। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दवाओं पर होने वाली खर्च के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कर्मियों की संख्या, नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना मानक के आधार पर करने की योजना बना रही है। यानी कि फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि बिहार राज्य में जो स्वास्थ्य विभाग है उसको अच्छी तरह से संचालन करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संख्या कितने हैं इसके बारे में, डॉक्टर कितने तैनात हैं, पैरामेडिकल कितने तैनात हैं, नए मेडिकल कॉलेज का स्थापना कितना होना चाहिए, सारे पर विचार किया जा रहा है। यानी पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो NM GNM, उसके बाद जो लैब टेक्नीशियन होते हैं सारे स्टाफ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फ्रेंड बता दूँ इसमें ये भी यहाँ पर देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट दिखा देते हैं कि विभाग ने महीने भर में स्वास्थ्य का रोड मैप बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सिर्फ महीने भर में इन सारे स्वास्थ्य विभाग का जो रोड मैप होगा, नए पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत, डॉक्टर की जरूरत, मेडिकल कॉलेज कितने बढ़ने चाहिए, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, पूरे सिर्फ 1 महीने में रोड मैप को लक्ष्य निर्धारित करने की बात कह रही है। साथ ही फ्रेंड यहाँ पर ये भी बताए जा रहे हैं कि इसके साथ ही आबादी के अनुरूप अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ANM GNM व अन्य मानव बल की रूपरेखा भी आंकी गई है। यानी कि हर तरह से NM GNM रोड मेडिकल स्टाफ में जो आते हैं पैरामेडिकल वाले, लैब टेक्नीशियन वाले, सारे स्टाफों को एक तरह से यहां पर रूपरेखा तैयार कर रही है। यानी कि यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि इस 1 महीने के अंदर जो रोड मैप बनेगी इसमें लगभग सभी ANMO की भी बात कही जा रही है, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख रहे हो। तो फ्रेंड जैसे कि पहले भी मंत्री जी ने आदेश दिए थे कि 40 से 45 दिनों में पूरी प्रक्रिया हो जाएगा और उसके अनुकूल तो हो ही रहा है। तो फ्रेंड हम लोग को लगभग वेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम जून तक आप लोग वेट करिए और आप लोग को मेरिट लिस्ट सामने देखने को मिल सकता है। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर देख रहे हो लगातार स्वास्थ्य मंत्री विभाग पर पूरा कार्य करने के लिए, रोड मैप बनाने के लिए हर एक पॉइंट पर यहां पर कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड आपको लगभग पूरी जानकारी मिल गया होगा कि कब तक संभावित है आने का। फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके। फ्रेंड बता दूँ अगर आप लोग को ये नोटिस चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें, जिससे कि वहाँ पर कोई भी नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके। थैंक यू।